परफेक्ट। तो जैसा मैंने बताया, आज हम सीखेंगे लिस्ट मेकिंग, इनविटेशन और फॉलोअप। बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट्स हैं ये, मतलब अगर मैं बताऊं तो बेसिक है। अगर आप किसी भी बिजनेस में जाते हो, मान लीजिए आपने एक फैक्ट्री एस्टैब्लिश की, उस फैक्ट्री का कुछ रॉ मटेरियल होता है, कुछ फाइनल प्रोडक्ट होता है, और अपने बिजनेस का रॉ मटेरियल का अगर बात करूं तो पीपल है, लोग हैं रॉ मटेरियल, और फाइनल प्रोडक्ट है लीडर्स। तो अगर किसी फैक्ट्री में जाओ और रॉ मटेरियल में देखो तो उनका भरा होता है, बिल्कुल गोडाउन भरा पड़ा है, इतना सारा माल वो प्रोडक्शन में जाएगा, वहां से सामान बन के फाइनल प्रोडक्ट निकलेंगे, और हमारे पास जब हम बिजनेस करने आते हैं तो हमें लगता है हमारे पास लोग ही नहीं है, किसको बताऊं, ये तो मेरे बॉस रहे थे, ये तो मेरे चाचा जी हैं, इनको मैं क्या बताऊं। और आप जब ढूंढने जाते हो तो आप पाते हो कि सर आई डोंट हैव पीपल, या फिर आपको लगता है कि मेरे पास तो बहुत कॉन्टैक्ट हैं, फोन कॉन्टैक्ट में आप देखो तो 3,000 लोग 4,000 लोग भरे पड़े हैं, लिस्ट क्या बनानी। लेकिन दोस्तों, ये बिजनेस जो है आपका, इसको कहते हैं कॉपी कैट मार्केटिंग। आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ता, आपके मेंटर्स जो आपको सजेस्ट करते हैं उस तरीके से करना होता है। क्यों? क्योंकि और दूसरा कोई भी तरीका रिजल्ट नहीं देता। हर इंसान ने अपने अपने तरीके लगाए, कुछ ऐसा किया, कुछ वैसा किया, रिजल्ट डिराइव जिस पद्धति से होती है वो पद्धति आपसे शेयर की जा रही है। तो सबसे पहला काम आपको करना है लिस्ट मेकिंग। और लिस्ट आप किनका बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको चाहिए एक डायरी या एक नोटपैड, और वो ऐसी डायरी नोटपैड हो जो स्पेसिफिकली लिस्ट मेकिंग के लिए हो। ऐसा नहीं कि दो पन्ने पे लिस्ट बना दिया और बाकी के पन्नों पे आप फिर ट्रेनिंग के नोट्स बना रहे हो, और उसी पे अगर घर से कुछ आ गया कि सब्जी तोरी लेकर आना तो वो सब भी आप वहीं कहीं लास्ट में लिखे जा रहे हो, ऐसा नहीं। बिल्कुल डेडिकेटेडली आपको एक रजिस्टर चाहिए जहां पे आप ये काम करोगे। लिस्ट बनाने के टाइम पे आप यहाँ देखिए लिखा हुआ है रेड में, नेवर प्री जज, यानी आपको पहले से जज नहीं करना है कौन करेगा कौन नहीं करेगा, ये आपके हाथ में है ही नहीं, ये ऊपर वाले के हाथ में है या उस भाई साहब के हाथ में है, उसकी किस्मत उसको कहाँ लेकर जाएगी ये आपके हाथ में कतई नहीं है, तो आप नहीं सोचेंगे। या फिर कई बार आप सोचते हो कि ये तो बड़ा अमीर है, ये क्या करेगा हमारे साथ बिजनेस, सर आपको देख कर लग सकता है वो बहुत अमीर है, लेकिन उसके साथ अभी क्या चल रहा है, हाउ डू यू नो, और क्या इस बिजनेस को सिर्फ पैसे के लिए किया जाता है? आपने कई बार सुना होगा इस पैसे को समय की आजादी के लिए किया जाता है, मान सम्मान के लिए किया जाता है, अच्छी सेहत के लिए किया जाता है, बहुत सारा फैक्टर है। हो सकता है उसके पास पैसा बहुत है बट हेल्थ नहीं है, हाउ डू यू नो। तो आपको अपने लोगों को पिच करना है चीजों को, आपको उनको बताना है कि मेरे पास कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट है, हाँ ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, आपको क्या चाहिए। अब इसकी मर्जी है, लेना होगा लेगा, नहीं लेना होगा नहीं लेगा, आप नहीं सोचोगे। नेवर एवर प्री जज, ये लड़का है, ये लड़की है, ये बूढ़ा है, ये बूढ़ी है, अमीर है, गरीब है, सोचना ही नहीं है। और दूसरी बात मैं ऑलरेडी कह चुका हूं, नोटपैड या डायरी पे हमेशा बनाना है। किस फॉर्मेट में आप बनाएं तो आप उसको कॉलम में बांट लीजिए। पहला कॉलम सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम नेम, आप पूरा नाम उसका लिखिए, तीसरे कॉलम पे फोन नंबर, मोबाइल नंबर। अभी कई सारे मैंने लिस्ट देखे हैं, कॉलम तो बनाया है मोबाइल नंबर का, लेकिन उसमें मोबाइल नंबर नहीं डाला, क्यों? देखूंगा मैं वहीं से, वहां पड़ा हुआ है सर, डालना क्या है? फिर दिमाग लगा दिया ना हमने वहां पे, है दिमाग अपनी छोटी सी, क्यों ना लगाऊं। बेकार ही सजेस्ट किया था लोगों ने कि यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर डालना, लिख देना था कि मोबाइल नंबर आप हमेशा फोन से लेकर आए। तो आप ये गलतियां ना करें, अगर नाम फोन नंबर लिखना है तो लिखना है, उसके बाद आप एड्रेस या एरिया लिख सकते हो ताकि आपको जानने का मौका मिले, दिल्ली से है या कोलकाता से है, किस लोकेशन से है, ताकि आप उस तरीके से चीजों को प्लान कर पाओ अकॉर्डिंगली। अगला कॉलम आप बनाएंगे प्रोफेशन का, क्या करता है, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, वर्किंग प्रोफेशनल है, इस तरह के डिटेल अगर आप लिख पाओ। और फिर लास्ट वाले कॉलम में आप चाहो तो रिमार्क्स लिख लेना, रिमार्क्स यानी आपने बात करी, क्या फाइनल हुआ, मीटिंग सेट हुई नहीं, किस डेट को मिलेगा, नहीं मिलेगा, नॉट इंटरेस्टेड, इस तरह के रिमार्क्स आप लिखना चाहो। और इस पूरी लिस्ट को आपको इस तरीके से बनानी है कि उस पर हजारों लाखों लोग कल को आए।
अभी अब आप बोलोगे हजारों लाखों लोग कहाँ से आएंगे भाई साहब, मैं तो इतने लोगों को जानता ही नहीं, मैं तो 10-15-20 लोगों को जानता हूँ। कई लोग ऐसे बोलते सर मैं तो बिहार से आया था, बिहार में लोग हैं अपने, दिल्ली में तो कोई है ही नहीं। आज कोरोना की वजह से ये बिजनेस इतना खूबसूरत हो गया है कि आप बिहार में हैं चाहे ढाका में, एक ही बात है। आज दिल्ली में जितने सारे लीडर्स हैं मेरे ख्याल से उनसे भी मैं महीनों से नहीं मिला हूँ, इसी जूम से मीटिंग होती है। जो बिहार में है उनसे भी मुलाकात इसी तरीके से होती है। तो जो कहते हैं ना रीजन कोई बार नहीं है आपका, कहीं भी दिल खोलकर बिजनेस आप करें। अच्छा आज अगर मैं आपको एक ऑफर दूं कि एक नाम लिखने का अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट पे 1000 दूंगा मैं, यानी आप नाम लिखो, 5 अगर लिख लिए तो 5000 मेरे से ले जाना, 10 नाम लिख लिए तो 10000 मेरे से ले जाना, तब देखो आपके पास लोग कहाँ से आ जाएंगे। आप सब्जी मंडी में बैठ जाओगे, वहां एक फॉर्म भरवाने लगोगे लोग से, भैया नाम दे दे नाम दे दे, 1000 मिलते हैं, आप करोगे ना वो। लेकिन आज आप नहीं करते हो, क्यों? क्योंकि आपको यकीन नहीं है कि वाकई मेरे नाम लिखने से 1000 रुपया मिलेगा, और मैं आज आपको वो यकीन दिलाना चाहता हूँ। देखिए जब आप नाम लिखेंगे 10 लोगों का और उन 10 लोगों को कॉल करेंगे, तो अपनी इंडस्ट्री का लॉ ऑफ एवरेज है। ये लॉ ऑफ एवरेज क्या कहता है कि 10 लोगों को अप्रोच करोगे ना, 4 लोग सीधा मना करेंगे, अरे भाई नॉट इंटरेस्टेड, कहाँ फंस गया तू। 6 लोग बोलेंगे अच्छा चल दिखा क्या है तेरे पास। वो 6 लोग जब प्लान देखेंगे तो उस पर ज्वाइन 3 या 4 लोग करेंगे, 2 लोग वहां से भी वापस चले जाएंगे और लीडर एक ही बनेगा। तो जब मुझे पता है कि 10 लोगों में से एक ही लीडर बनेगा तो मुझे कोई दुख नहीं होगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मुझे पता है एक बंदा तो आएगा, और वो जो आएगा वो लीडर आ रहा है, वो लीडर आ रहा है तो मुझे वो लीडरशिप ओवरराइड बोनस देगा, और 1 लाख से लीडरशिप ओवरराइड का मतलब है 20-25 हजार रुपए। यानी 10 लोगों को अगर आपने कॉल कर दिया तो 20-50 हजार रुपए की इनकम है आपकी, बांट दो ये 20-25 हजार, चलो 20 हजार ही बांट दो 10 लोगों में, 2-2 हजार मिल गया। अभी वो आए ना आए कुछ भी करे आपको क्या फर्क पड़ता है। आप लोगों को इतना बोलो कि भाई साहब अगर आप बस मीटिंग सुन लोगे ना, आप कुछ करो ना करो मुझे 2000 मिल जाएंगे यार, प्लीज आ जाओ, इतने में इनविटेशन हो जाएगा आपका। वो बोलेगा अभी क्या काम करता है तू, खाली लोगों को कॉल करने का, 2000 रुपये कौन देता है भाई। वो आपसे पूछेगा फिर उसको बताना नहीं नहीं मैं ऐसे तो नहीं बता सकता आपको, आप आइए मीटिंग सुनिए तभी पता चलेगा। तो ऑल दो ये लिस्ट मेकिंग का सेशन है लेकिन इन्विटेशन भी समझ में आ रहा होगा आपको, क्यूरियस तो बनाइए लोगों को। सर कुछ नहीं करना आपसे, बस मुझे बात करनी है, 2 मिनट बात कर लो, अगर आपको अच्छा लगे तो मेरी मीटिंग में आना, बस आपके मीटिंग में आने से मुझे 2000 रुपये मिल जाएंगे, सिंपल। और इस बात को भरोसा करिए दिल से, तो देखिए कितनी बड़ी लिस्ट बनेगी आपकी। अभी यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है फ्रेंड्स, दिस विल गिव यू सम आइडिया कि कैसे लोगों का नाम लिखना है। तो एफ मतलब फ्रेंड्स, आपके जो एक्चुअल फ्रेंड्स हैं उनका नाम आप लिखिए 1 by 1। आर फॉर रिलेटिव्स, अपने रिलेटिव्स का नाम आपको फिर लिखना है। आई फॉर इंस्टीट्यूशनल, आपने बहुत सारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए, आपने कॉलेजेस ज्वाइन किए, आप जिम जाते हो, अलग अलग तरीके के इंस्टीट्यूशन के पार्ट बने हो आप बचपन से लेकर आज तक, याद करो कि वहाँ उस इंस्टीट्यूट में कौन सा आपके करीबी दोस्त था या किन से आपकी मुलाकात थी, उन सबों को आप लिस्ट डाउन कर सकते हो। पुराने दोस्तों को फेसबुक से ट्विटर से कहीं से भी आप लेकर आइए। इवन इतना तक कहती है वेस्टीज कि आप अपने दुश्मन तक का भी नाम लिखिए, क्यों? क्योंकि यार दुश्मन को अगर प्लान दिखाते हो वो आपकी टीम को ज्वाइन करता है और वहां से भी पैसे कमाओ, तो इससे खूबसूरत बात कुछ हो सकती है क्या? वो दुश्मनी भी कल को दोस्ती में बदल जाएगी। तो ई स्टैंड्स फॉर एनिमी और एवरीवन। अगला N stands for neighbors, पड़ोसियों का नाम लिखिए आप। D मतलब doctors, professionals, chartered accountants, आपके वकील जो रहे हैं, आपका दूध वाला, पेपर वाला, ये सब वाला वाला यहाँ आ जाएगा। और जब ये सारे हो जाए तो strangers का नाम लिखिए। और strangers का नाम आप कैसे लिखेंगे, आप थोड़ी सी friendliness अपनी बढ़ानी पड़ेगी आपकी। आप चारों तरफ जहां भी जा रहे हो, आपके बस में, मेट्रो में, पार्क में आप चक्कर लगा रहे हो, बस लोगों को देखकर मुस्कुराना है, फ्रेंडलीनेस दिखानी है। आप अगर किसी को बोलोगे भाई साहब मैं आपको रोज देखता हूँ, आप इसी मोहल्ले में रहते हो क्या? हाँ हाँ जी हाँ। क्या करते हैं भाई साहब आप? अरे जी मैं बैंक में हूँ। अरे बहुत बढ़िया सर। आपने बातचीत करी, नंबर एक्सचेंज किया, अपना कॉन्टैक्ट कार्ड रखिए अपने पास, आप उसको शेयर करिए कि सर मैं भी बिजनेस में हूँ, मेरा अच्छा खासा नेटवर्क है, कभी हम एक दूसरे के काम आ पाए तो ये आप रखिए। कैन आई हैव योर नंबर? आपने नंबर लिया, उसका नंबर आप लिस्ट में बनाओ।
तो आप ओपन रहोगे तो लिस्ट की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम लोग ओपन होते नहीं ना। हम तो है बहुत बड़े वाले, मतलब बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं हम, या हम तो बहुत बड़े स्टार हैं ना, हम दूसरों से क्यों ओपन करें? उसको जरूरत होगी वो आएगा। तो बस रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप ओपन और फ्रेंडली हो जाए तो आपको लोगों की कतई कमी नहीं पड़ेगी, और लोगों की कमी नहीं पड़ेगी यानी रॉ मटेरियल बहुत है, रॉ मटेरियल बहुत है यानी फाइनल प्रोडक्शन बहुत है। देखिए यहाँ लिस्ट मेकिंग के कुछ पॉइंटर्स मैं आपसे शेयर करता हूँ। आपकी लिस्ट एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट होनी चाहिए, यानी क्या, ऐसा नहीं कि आपने एक बना लिया और उसको लाल कपड़े में लपेट कर उसको आप रख दीजिए जहां पूजा पाठ होता है, अगरबत्ती दिखाइए। पैसिव नहीं होना चाहिए, उसमें लगातार काम करें आप। आज आपने लिस्ट बनाई 20 लोगों की है, फिर आइए कल दो चार पांच नाम ऐड करिए, कुछ लोगों को कॉल करिए वहां से, कुछ लोग निकलेंगे कुछ लोग आएंगे, जस्ट लाइक अ बैंक अकाउंट। आपके बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट भी होता है और वहां से खर्च भी होता है। जब आप लिस्ट बनाते हैं तो आपने 10 15 20 लोगों का नाम लिख लिया, वन टाइम एक्टिविटी ओवर। अब क्या करोगे? धीरे धीरे कॉल करोगे, अजी सबसे बात कर लिया, सर लिस्ट बनी थी सब हो गया, अब कोई नहीं है मेरे पास। तो ऐसा नहीं करना, आपको एक्टिव लिस्ट बनानी है, रोज नाम ऐड करने हैं, और ऐसे करना है जैसा कि 1000 रुपए के नोट आपको पर नाम पे मिल रहा हो। ये करेंगे आपको लंबी लिस्ट बनेगी। कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड योर लिस्ट, दो नाम कम से कम रोज आपको डालने हैं वहां, नए लोगों का नाम। कहां से डालोगे? बोलोगे भैया मेरे पास खेती कोई थोड़ी ना है कि रोज मैं तोड़ के ले आऊं दो नाम। तो तरीके बताता हूं। अगला पॉइंट, रेज योर अवेयरनेस, अपना अवेयरनेस बढ़ाना है। आजकल हम ना बिल्कुल सोए सोए चलते हैं, जैसे लग रहा है नींद में चल रहे हो, आसपास कुछ घट रहा है पता ही नहीं चलता हमें। आप गए एक रेस्टोरेंट में खाना खाने और वहां जिसने आपको सर्विस दी, बहुत बढ़िया सर्विस दी, आप खुश हो गए, आपने उसके लिए 25-50 रुपए छोड़े टिप, काम खत्म। वहां पे अगर आप रिकॉग्नाइज करो चीजों को और उसको बोलो कि भाई तू तो बड़ी अच्छी सर्विस देता है यार, बहुत स्माइलिंग पर्सनैलिटी है तेरी, मतलब मैं बहुत खुश हुआ सच बताऊं, अगर मुझे कभी लाइफ में मौका मिला ना मैं तेरे साथ काम करना चाहूंगा, तेरा नंबर है, उसका नंबर लो, बड़ा खुश होगा वो बंदा। इस तरीके से उसकी तारीफ शायद ही किसी ने करी हो। आप नंबर लेकर आओ, अपने लिस्ट में डालो, किसी दिन कॉल करो कि भाई याद है तुझे उस दिन मैंने इसको कहा था कभी मौका मिला काम करूंगा, आज वो मौका आ गया दोस्त, करिए तो सही। आप अपनी कार में कहीं जा रहे हैं, आपका टायर पंक्चर हो गया, किसी ने बड़ी मेहनत के साथ आपकी मदद करी वहां, रिकॉग्नाइज करिए, दोस्ती बढ़ाइए, नंबर एक्सचेंज करिए और लाकर उस नंबर को डालिए अपने लिस्ट में। इस तरीके से आप अपनी लिस्ट को एवर ग्रोइंग बना पाएंगे। आपको सेंसिटिव होना है। आप पार्क में चक्कर लगा रहे हो, आपने देखा एक बूढ़े बाबा बैठे हुए हैं घुटना पकड़ के, अब बोले बाबा टहल नहीं रहे आप, अरे बेटा एक चक्कर लगाया आप, घुटने में दर्द। अच्छा घुटने में दर्द आपको कितना टाइम से हो रहा है? इतना टाइम से। अच्छा बाबा पता है मेरे मेरे भी दादाजी को या मेरी भी मम्मी को ना ये प्रॉब्लम थी, हमने एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लिया ठीक हो गया, तो आप ट्राई करना चाहोगे? आप बेटा बता दे, बाबा मुझे अपना नंबर दो बताता हूँ आपको, हो गया काम आपका। लेकिन हम करते क्या, हम नोटिस करना, हम जनरली निकलते में फर्क ही नहीं पड़ता पास में कौन पड़ा है, सड़क पे किसी के एक्सीडेंट हो गया हम निकल गए वहां से, अजी हो गया कोई का, आदमी की तो कीमत ही नहीं रही आज। तो हमें अपना अवेयरनेस बढ़ाना है। आप अवेयर हो जाओगे आपको लोगों की कमी नहीं होगी, सिंपल सा फंडा है। जो मैंने पहली वाली स्लाइड पे आपसे कहा था, नेवर एवर प्रीजज, वो प्रीजज नहीं करना है। आपको नहीं पता कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। कई बार आप उसको बहुत अमीर मान के बैठे हो और उसकी हालत इतनी खराब हो गई हो लॉकडाउन पे कि उसका बिजनेस बंद हो गया हो, उसकी नौकरी चली गई हो और उसके पास बेसिक नेसेसिटी के लिए भी पैसे ना हो, पॉसिबिलिटी है या नहीं? तो आपको नहीं सोचना, नेवर प्रीजज। नेटवर्क ऑन पर्पस, आप पर्पसफुली नेटवर्क बनाइए। अगर आप जानते हो कि आपके पास वाकई लोग नहीं है तो लोग जहां आते हैं वहां जाइए ना, आपके मोहल्ले में आपके एरिया में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा, आप जाइए बैडमिंटन सीखने को, क्रिकेट खेलिए, आप तैराकी सीखिए, या बहुत सारी ऐसी संस्था होती है जहां आप फ्री ज्वाइनिंग करा सकते हो। रोटरी क्लब ऑफ इंडिया है, लायंस क्लब है, और फ्री ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं, उन सब क्लब को जाकर सोशल काम, एनजीओ आप ज्वाइन करिए, वहां लोग होंगे आपके जैसे और उनसे आप कनेक्शन बनाइए। तो ये सब काम करेंगे तो लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी बनेगी। और इस लिस्ट को आप कैटेगराइज करिए हॉट वार्म और कोल्ड कॉन्टैक्ट में। हॉट कॉन्टैक्ट का मतलब होता है ऐसे लोग
जो आंख बंद करके भरोसा करते हैं आप पे, कोई प्लान दिखाने की जरूरत नहीं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सुशांत कर रहा है तो मैं भी करूंगा, ऐसे कुछ दोस्त सिर्फ सुशांत के पास नहीं आप लोगों के पास भी होंगे, इन लोगों को कहते हैं हम हॉट कॉन्टैक्ट। वार्म का मतलब क्या है, उनसे अच्छा रिश्ता है आपका, वो सुनेगा भी करेगा भी मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन वो सवाल पूछेगा कि अच्छा बता पैसे कैसे आते हैं, ऐसा कैसे होता है, कंपनी कैसे ग्रो कर रही है, आपने सवालों का जवाब दे दिया वो आपके साथ आएगा, वार्म कॉन्टैक्ट। और कोल्ड कॉन्टैक्ट का मतलब है भैया बिल्कुल ठंडा है, कोई आपसी रिश्ता है ही नहीं, आप जब बोलोगे तो बिल्कुल अनजान आदमी की तरह उससे रिश्ता बनाना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, चांसेस कम है बट हाँ है। तो आप कैटेगराइज कर लीजिए अपने लोगों को, और वहां पे इनविटेशन जब आप करेंगे तो कोशिश करिए सबसे पहले हॉट कॉन्टैक्ट को टच करें, क्यों, क्योंकि शुरुआती दिनों में आपके पास स्किल थोड़े कम है, तो वहां पे जो लोग आप पे पूरा भरोसा करते हैं आपके साथ सपोर्ट में खड़े होंगे, दो चार पांच लोगों की टीम बनेगी, आप आगे बढ़ोगे तो रास्ता बहुत अच्छा होगा, धीरे धीरे आप सीखते चले जाओगे और बिजनेस आगे चला जाएगा। शुरुआती दिनों में ही आप कोल्ड पे चले गए, आपने दो चार लोगों को अप्रोच किया, सबने मना कर दिया और हमारा मुंह उतर गया, हम बिजनेस से बाहर। तो इसलिए अगर आप कैटेगराइज करके काम करेंगे हॉट वार्म और कोल्ड पे, तो आप अच्छा काम कर पाओगे। अभी हम अगले स्टेप पे चलते हैं, लिस्ट तो बना लिया है, अब इसकी प्रोसेसिंग, रॉ मटेरियल आ गया, कैसे प्रोसेस करना है इनको, तो हम यहां बात करेंगे इन्विटेशन का। इन्विटेशन का सिंपल सा मतलब है, जैसे मान लो हमारे घर में शादी है, छोटी बहन की शादी है और एक डेट फाइनल किया हमने, अब इस डेट पे हर किसी के पास जाते हैं कार्ड बांटने के लिए कि सर इस दिन बहन की शादी है आपको जरूर आना है, सर आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नहीं आएंगे तो शादी ही नहीं होगी। इसी तरीके से हमारे इवेंट्स हैं, प्रेजेंटेशन के लिए, अलग अलग ट्रेनिंग के लिए आपको इनवाइट करना है उसी शिद्दत के साथ। आप अगर अपने इवेंट को थोड़ा इंपॉर्टेंस उसको समझा पाए कितना जरूरी है ये, अगर उसको बता पाए क्यूरियोसिटी के साथ, जो टेक्निक्स मैं बताऊंगा अभी उसके साथ, तो इनविटेशन जरूर होगा, लोग आपके पास जरूर आएंगे। तो और मैं एक बात यहाँ ऐड करना चाहूंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आपने इनविटेशन सीख लिया तो आधी बाजी आपने मार ली, 90% लोगों को दिक्कत यहीं पे होता है। और क्यों होता है आप सोच कर देखिए, आपको कोई कॉल आता हो आज कि भाई मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है, बहुत बढ़िया है, और मैं चाहता हूँ कि तू ऐसे करके काम करे मेरे साथ, कुछ नहीं करना है तुझे, एक कंपनी है वेस्टीज और वहां पे तुझे कुछ शॉपिंग करना है, उससे पॉइंट बनेंगे तेरे, दिमाग खड़क जाएगा आपका, बोलेगा भाई साहब ये जरूर कुछ गड़बड़ कर रहा है, इसके जरूर फायदे की बात है और इसलिए ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। जहां उसको लगा कि आपके फायदे की बात है वो आप आएगा ही नहीं, अच्छा से अच्छा क्लोज दोस्त पे आजमा कर देखो आप। तो इससे पहले कि मैं आपसे शेयर करूं कि क्या करना है, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा क्या नहीं करना है। तो आपको ये वर्ड्स यूज नहीं करने हैं, MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, चेन मार्केटिंग, ज्वाइन करना है, प्रोडक्ट खरीदने हैं, इस तरह का बात बिल्कुल नहीं करना है। अभी तीन चार दिन पहले भी मैंने सीखा, बड़ा अच्छा हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने रखा कहीं बात कि कंपनी का नाम, काम और दाम नहीं बताना होता इनविटेशन में। बड़ी अच्छी बात है, अगर आप क्यूरियस रखोगे लोगों को तो वो आएगा। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिए, आप अगर लोगों के नीड के हिसाब से आप इनविटेशन करना सीख गए तो आपका इनविटेशन कभी भी फ्लॉप नहीं होगा, ये तरीके मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि फोन करने के पहले या मिलने के पहले अपने शरीर में एक एनर्जी दौड़ानी है, क्योंकि अगर एनर्जी नहीं है तो इनविटेशन फ्लॉप है। आप कितनी भी अच्छी बात बोलें वो मैटर नहीं करता है, आप कैसे बोलते हो ये मैटर करता है। मैं आपको बोलूं कि भाई एक बिजनेस है करेगा, 4-5 लाख रुपए कमाते हैं यार हमारे अपलाइन, यार मुझे तो अच्छा लग रहा है यार, आजा करते हैं। इसी बात को आप अगर इस तरीके से बोलो, भाई शानदार चीज देखी यार, 23-24-25 साल के लड़के 5-5-10-10 लाख रुपए कमा रहे हैं, नींद उड़ गई यार मेरी, 10-10-12 साल नौकरी करने के बाद भी इतना पैसा नहीं कमा पाते हम, 4-4-5-5 लाख रुपए, मैं तो पागल हूँ भाई, मैं तो स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने सोचा अपने कुछ दोस्तों को बताऊं, तो आर यू इंटरेस्टेड। तो वही बात बोलनी है लेकिन एक्साइटमेंट के साथ, एनर्जी के साथ बोलना है। और क्या करना है आपको, आपको फिक्स करना है डेट, प्लेस और टाइम मीटिंग का, कब मीटिंग होगी, कहाँ पे होगी,
कितने बजे होगी, और वहां मीटिंग का इम्पोर्टेंस रखते हुए अगर आप बताएं, अगर उसको ये बात बताया जाए कि आपके फायदे की बहुत बात है, तो इनविटेशन बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। आप लोग अगर नोट कर रहे हैं तो आप एक फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्म FORM। ये थोड़ा सा आपको गाइडलाइन देगा कि किस तरीके से बात करनी है। तो किसी को भी कॉल करो, सीधा छूटते ऐसे नहीं कि बिजनेस कर रहा हूं आ जाओ या बहुत अच्छी बात है, नहीं, पहले फैमिली के बारे में बात करनी है कि भाई और घर में सब कैसे हैं, मम्मी पापा कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, तो थोड़ा अच्छा लगता है, उसको लगता है कि भाई बड़ा स्वार्थी नहीं है ये मेरे बारे में भी सोचता है। उसके बाद आप ऑक्यूपेशन के बारे में बात कर लो, उसके नौकरी के बारे में, कैसा कैसी चल रही है तेरी नौकरी, कोरोना का क्या इम्पैक्ट है, बिजनेस कैसा चल रहा है। फिर आपने रिक्रिएशन के बारे में बात की, आपको अगर पता है कि वो फ्री टाइम कैसे बिताता है, आपको अगर पता है कि वो क्रिकेट का शौकीन है, मूवी का शौकीन है, आप पूछोगे और लास्ट मूवी कौन सी देखी। अगर आपको पता ही नहीं है तो आप पूछोगे कि और क्या करता है फ्री टाइम पे, सैटरडे संडे कैसे निकालता है। तो इस तरह की बातें आप करोगे वहां, और लास्ट में फिर आपको मैसेज बताना है, अपने पैसे वाली बात बतानी है, अपने बिजनेस के बारे में बताना है। आपका कम्युनिकेशन बहुत प्रॉपर होना चाहिए, और वहां आपको 5 C's ऑफ कम्युनिकेशन का ध्यान रखना चाहिए। ये 5 C's क्या है? फर्स्ट सी स्टैंड्स फॉर कन्वर्सेशन, नॉर्मल बातचीत। आपको इंटरव्यूअर नहीं बनना है कि भाई और घर में कैसे हैं सब, बहुत बढ़िया, नौकरी कैसी चल रही है, बहुत बढ़िया, अरे क्या करता है फ्री टाइम पे, ऐसा नहीं कि बस आप पूछे जा रहे हो जवाब देते जा रहे हो, कुछ वो पूछे कुछ वो पूछे, नॉर्मल कन्वर्सेशन आपका होना चाहिए। और इस कन्वर्सेशन में कॉम्प्लीमेंट का अपॉर्चुनिटी ढूंढिए आप। अगर आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं किसी बात पे, अगर किसी ने बोला कि अरे आज ही रिजल्ट आया है, बड़ा अच्छा, मेरे बच्चे ने बहुत अच्छा नंबर लेकर आया, अरे भाई वो नहीं लाएगा तो कौन लेकर आएगा, आखिर बेटा किसका है, मैं तो श्योर था कि वो करेगा ही करेगा, आधा सेल क्लोज्ड है, ज्वाइनिंग आधी हो गई, चाहे वो देवता हो, चाहे वो असुर हो, चाहे वो मनुष्य हो, हर किसी को स्तुति पसंद है, आरती पसंद है। आप कॉम्प्लीमेंट जरूर दीजिए, जहां भी आपको मौके मिले, कोई भी चीज आपको अच्छी लगती है, उसका कपड़ा अच्छा लग रहा है, उसकी स्माइल अच्छी लग रही है, उसके घर में कोई पेंटिंग टंगी हुई है वो अच्छा लगा आपको, आप बोलकर तो देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तीसरा सी फॉर क्यूरियोसिटी, पत्ते खोलने नहीं है आपने, बंद रखना है उसको। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल जनरली देता हूं, आप में से कई लोगों ने सुना होगा, एक सपेरा बचपन में आपने देखा होगा, आपके मोहल्ले में आता है और बीन बजाना शुरू करता है, धीरे धीरे बच्चे कलेक्ट होने लगते हैं, वहां बीच में रुकता है और कहता है भाई साहब ये जो पिटारे मेरे पास है ना, इस पिटारे में इतना बड़ा नाग लेकर आया हूं मैं हिमालय की चोटी से पकड़कर, अभी निकलेगा तो ऐसा करेगा वैसा करेगा, और फिर बीन बजाने लगता है। जब तक उसके आसपास लोग खड़े ना हो जाएं तब तक वो पिटारा नहीं खुलेगा। और हम क्या करते हैं, सांप को बाहर खोल के बैठे हुए हैं, भैया ये मेरा सांप आ जाओ देख लो, बालकनी से सलाम करता है इंसान सांप को और घर के अंदर। तो क्यूरियस बनाना है आपको, खोल के नहीं रखना कि ये वेस्टीज है, MLM होता है, ऐसा करना है वैसा करना है, नो, थोड़ा सा इनडायरेक्ट मैसेज, भाई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैंने सैटरडे को एक मीटिंग करी थी, मैं तो देखा तो मुझे बड़ा पसंद आया, मैं तो इसको स्टार्ट करने वाला हूँ, मैंने सोचा कि एक बार तुझे भी टाइम है तो तू आकर देख ले, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा इनकम, और बिना इन्वेस्टमेंट के, एक रुपए लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी वो आपसे पूछ सकता है कि अच्छा क्या है, थोड़ा सा बता, भाई अभी तो मैंने बताया बस देख कर आया हूँ, मुझे अच्छा लगा, बहुत डिटेल मेरे पास नहीं है, तू चाहे तो तू आ जा देख ले, नहीं चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, मत आ। लेकिन हम जनरली होते हैं रिक्वेस्ट मोड में, अरे भाई तू नहीं आएगा ना तो मैं तो फिर नहीं करूंगा यार, तुझे तो आना ही पड़ेगा यार, प्लीज आ जा मेरे लिए, आ जा यार, माँ कसम आ जा, टाइप को आएगा वो, जानता है कि आपकी जरूरत पड़ी है, और कोई भी इंसान किसी की जरूरत के लिए काम करने को तैयार ही नहीं है। कंट्रोल रखना है आपको हर चीज पे, कन्वर्सेशन जब आप कर रहे हो तो ऐसी कन्वर्सेशन नहीं कि आधे घंटे एक घंटे बातचीत ही हो रही है, भैया आप सारे घर की कहानी वो सुनाने लगे, अरे मेरे हस्बैंड ने पता है कल तो ये कर दिया वो कर दिया, कल सासू माँ गई उन्होंने ऐसा सुनाया, अब वापस गए हो, काम की बात ही नहीं हो रही, तो ऐसा कुछ है तो वहां पे कट शॉर्ट करो, थोड़ा सा अभी मैं बिजी हूँ, इस बात पे मैं जरूर कॉल करूंगा तुझे, फाइनल बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी सी जल्दी में हूँ। कॉम्प्लीमेंट भी दे रहे हो तो वहां भी ध्यान रखना है कि जेन्युइन वाला देना है आपको, कोई गंजा आदमी उसको बोलो कि सर आपके जुल्फे हैं, बस हो गया काम आपका, सत्यानाश। क्यूरियोसिटी भी बना रहे हो तो कितना बनाना है, आपने इतना क्यूरियस बना दिया, भैया बीन बजाए जा रहे हो, बीन बजाए जा रहे हो, खोल ही नहीं रहे पत्ता, वो बोलेगा मर जा तेरा सांप, मैं घर जा रहा हूं। तो हर जगह पे कंट्रोल की बहुत जरूरत है यहाँ।
आपका पर्पस क्या है, ये सारी बातें करते हुए आपको मिशन आपका यही है कि आप फिक्स करेंगे मीटिंग का डेट, प्लेस और टाइम। और जब ये फिक्स हो गया तो उसको कमिटमेंट के साथ आपको पूरा करना है। टाइम पे आइए, मीटिंग उसको शेयर करिए, और ये पूरा पर्पस है इनविटेशन का। ऑलवेज बी एक्साइटेड, आपको हमेशा एक्साइटेड रहना है, जैसे मैंने कहा था, फुल ऑफ एनर्जी। और वर्ड्स आपको यूज करने हैं इस तरीके के, ट्रिमेंडस, माइंड ब्लोइंग, अनबिलीवेबल, फंटास्टिक, वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है यार। और ये बोलो और इसको फील करके बोलो, वैसी गलती मत करना यार, इतना वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है यार, बस वो समझ गया कितना वंडरफुल है, रट्टू तोता नहीं बनना हमें। जो बोल रहे हैं उसकी फीलिंग अंदर तक आनी चाहिए, ये करके देखो, जो बोलोगे ना हिट करोगे आप। मन से काम करना है। दो तरीके से इनविटेशन करते हैं, एक बात और बता दूं मैं आपको, एक होता है डायरेक्ट अप्रोच, एक होता है इनडायरेक्ट अप्रोच। ज्यादातर हम 95% केसेस में इनडायरेक्ट अप्रोच करते हैं, जो मैंने आपको समझाया अभी, ये सारा इनडायरेक्ट था कि आपने उसको बताया नहीं कुछ और इस तरीके से। लेकिन कई बार आपका बहुत क्लोज फ्रेंड हो, बिल्कुल आपके रग रग से वाकिफ हो, तो उसके साथ आप डायरेक्ट अप्रोच भी कर सकते हैं, क्योंकि उसको आप पे भरोसा है कि आप गलत डिसीजन नहीं लोगे। आप उसको बोलो कि यार, ऑल्दो मैंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अच्छा सोचा नहीं था, लेकिन अभी मैंने एक देखी है कंपनी और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा यार, और मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ करे। वहां पे आप डायरेक्ट कह सकते हो, कंपनी का नाम बता सकते हो, सब कुछ बता सकते हो उसको, ठीक है। तो इनविटेशन एक आर्ट है, और प्रैक्टिस से आप इस पे परफेक्ट होते चले जाओगे। जब शुरुआती दिनों में करोगे तो हो सकता है आपको दिक्कतें आए, हो सकता है लोग आपको मना भी करें। एक शौक पैदा कर लीजिए, 1000 ना सुनना है आपको। जिस दिन आप 1000 ना सुन लेंगे ना लोगों का, आप लखपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे। तो लोगों के ना का आप पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ना का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, आप आगे बढ़िए, वहां रुकना नहीं है। हम गलती वही करते हैं, किसी ने ना कहा, अब हमारा सारा सवाल वही होता है, सर उसने ना मुझे ना बोल दिया, अब मैं क्या करूं। ठीक है, उसके तरीके हैं, लेकिन वहां रुकना नहीं है आपको, उसको फॉलो अप में डालो और आगे बढ़ो। इनविटेशन करते रहो, लिस्ट बड़ी बनी हुई है आपकी, 1000 लोग हैं आपके लिस्ट में। एक बंदे ने ना कहा तो क्या जाता है, बिल ब्रिट बहुत अमीर इंसान है नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, हो सकता है नंबर्स कहीं इधर उधर हो, लेकिन सेंस समझिएगा। उन्होंने कहा 1200 लोगों को इन्वाइट किया, उन्होंने 900 लोगों ने मना कर दिया। 1200 में 900 लोगों ने मना कर दिया। हम लोगों के पास था वो, मतलब क्या कहते हैं, पेशेंस कि हम आगे बढ़ते, लेकिन वो बंदा आगे बढ़ा। बाकी जो 300 लोग थे उसने प्रेजेंटेशन देखा, लेकिन ज्वाइनिंग कोई 100 लोगों के आसपास हुई। उसके बाद जिन्होंने ज्वाइन किया, किसी ने प्रोडक्ट लिया, किसी ने नहीं लिया, 50-60-70 लोग उसको कुछ मिले थोड़े से सीरियस टाइप के, लेकिन वो भी कभी लेना कभी नहीं लेना। और मात्र 9 लोग ऐसे थे जो लीडर बने, और उन 9 लोगों ने उनको करोड़पति बनाया। लेकिन करोड़पति बनने के लिए 1200 लोगों को टच तो करना था उनको, आप भी कर जाइए, आप भी बन जाएंगे। हमने तो 2 इनविटेशन करा और 2 ने मना कर दिया, बस भाई वी आर डन, ये मेरे बस का नहीं है भाई। बिल ब्रिट बनिए, उनके जैसा सोचना शुरू करिए। ना सुनने की हैबिट अगर आप डाल दें तो आप परफेक्ट मैच हैं इस इंडस्ट्री के लिए। आगे बात करूंगा फॉलो अप के ऊपर। इनविटेशन आपने कर दिया, वो आएंगे हमारी मीटिंग्स में, आपकी मीटिंग्स अभी आपके अप्लाइंस ले रहे हैं, आप धीरे धीरे उनको सीखेंगे, आप भी एक्सपर्ट होंगे और आप भी लेना शुरू करेंगे। लेकिन आज के टाइम पे आपने इनवाइट कर दिया, उनको बिठा दो प्लान में, और प्लान दिखाने के बाद शुरू होता है फॉलो अप। फॉलो अप का बेसिकली मतलब क्या है, पीछा करना। पीछा आपको ही करना है। आप कभी ऐसा ना सोचिए कि आपका प्लान बहुत अच्छा है और आपने किसी को दिखाया और वो पागल हो जाएगा और आपको बोलेगा भाई साहब तुमने तो मेरी आंखें खोल दी, ये लगा मेरी आईडी और ये 10,000 की शॉपिंग मेरे नाम से। नहीं होगा ऐसा, आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो फॉलो करेंगे कैसे, पहला स्टेप आप उससे पूछिए कि भाई तूने प्लान देखा पूरा, क्या चीजें अच्छी लगी। अभी आपका सवाल ही ऐसा है तो वो क्या बोलेगा, अच्छी चीजें ही बताएगा ना। तो बोलेगा हाँ यार मुझे ये अच्छा लगा कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और मुझे अच्छा लगा कि तेरे पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, और ये अच्छा लगा कि तेरी ग्रोथ बहुत अच्छी है। आप बोलो बिल्कुल सही, तुमने बिल्कुल सही समझा। तो ओके, अगर सभी अच्छी बातें लगी है तुम्हें तो लेट्स स्टार्ट। मैं तुम्हारा नाम, फोन नंबर, एड्रेस वगैरह चाहिए वो तू मुझे भेज, मैं आईडी बनाता हूँ और शुरुआत करते हैं।
लेकिन हम लोग गलती करते क्या, हम पूछते हैं भाई कैसा लगा, अब भी उसको आपने रास्ता दे दिया निकलने का, अरे यार ये तो वैसे ही कंपनी जैसी थी, एमवे जैसी थी, सेफ शॉप जैसी थी, ऐसा था वैसा था, मेरे चाचा ने किया था, मामा ने किया था, वो रास्ता दे दिया आपने उसको। तो सवाल आप हमेशा क्या पूछेंगे, क्या चीज अच्छी लगी, ठीक है, और वहां से हो सकता है आपको कुछ सवाल मिले, उन सवालों का जवाब देना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप में से कई लोगों ने शॉपिंग करी होगी, टीवी की, फ्रिज की। आप जब किसी शोरूम में जाते हैं, या फिर मान लो आपने बाइक खरीदा, जब आप शोरूम में जाते हो तो एक बड़ा वेल क्वालिफाइड सा सेल्स पर्सन आपके सामने आकर खड़ा होता है और आपको सर्विस देता है, वो सर क्या देख रहे हैं आप, क्या लेंगे आप, क्या बजट है आपका, ये बातें करता है, और जो भी आप बोलोगे ना उस पर वो हाँ बोलेगा पहले। तो आप देखना, जैसे मान लो आप रेफ्रिजरेटर की दुकान में गए, आपने पूछा कि सर आपको क्या चाहिए, इधर इधर सैमसंग लगा हुआ है, वर्लपूल लगा हुआ है, एलजी लगा हुआ है, ऐसा है ऐसा है, आपने कहा कि सैमसंग, वो बोलेगा भाई साहब क्या आपका चॉइस सर नंबर वन है, बिल्कुल जेन्युइन आदमी हो आप, नंबर वन कंपनी है सर वर्ल्ड की, आप आइए आपको मैं दिखाता हूँ। फिर आप कलर पे गए, कौन सा लोगे, ग्रे कलर लोगे, रेड कलर लोगे, कलर आपने देखा, कलर आपने कुछ और पूछ लिया कि भैया नारंगी वाला नहीं है, ये ऑब्जेक्शन दिया आपने, वो नारंगी कलर उसके पास नहीं है और आपने नारंगी मांग लिया, तो वो उसको हैंडल करेगा, वो सवालों का जवाब देगा, अरे सर ये नारंगी वाला ना पहले बड़ा चलता था, आजकल तो सर सही बताओ तो आउट ऑफ फैशन हो गया, हमने रखना बंद कर दिया सर, डिमांड बड़ी कम हो गई है। अब आप क्या बोलोगे, भाई आउट ऑफ फैशन थोड़ी ना दिखना है, उसने पहली तारीफ कर दी, आपकी चॉइस तो बड़ी नंबर वन है, तो चॉइस तो नंबर वन वाला होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। तो आप उसको बोलोगे कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, फिर वहां से आप लेकर आओगे। तो सिमिलरली जब आप फॉलो अप करोगे, लोगों को रीच आउट करोगे, तो हो सकता है वो तैयार हो जाए कि हाँ मुझे ये बातें अच्छी लगी, करो, हो सकता है वो आपको बोले कि नो नॉट राइट नाउ, थोड़ा सोचने दो, थोड़ा देखने दो, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा नहीं करूंगा, कुछ भी आपको बोलेगा, और वहां पे आप उनसे सवाल जवाब करोगे, और वो मैं आपको आगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की क्लास अलग होगी इस पर बताऊंगा मैं, ऑल दो बट ऑब्जेक्शन हैंडल कर लिया 14-15-20 सवाल मैक्सिमम, अगर ये आपने सीख लिया तो ₹1,00,000 पक्के हैं। एंड आई एम श्योर कि ₹1,00,000 के लिए अगर 14-15 सवालों का जवाब अगर आपको सीखना पड़े तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आज आप अगर जॉब में है, आप 50,000, 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख जो भी कमाते हो, इन चीज को कमाने के लिए कितने हजारों सवाल का जवाब आपने देना सीखा है, सोचिए। क्लास वन से आपकी जर्नी शुरू हुई थी, एग्जामिनेशन दिया, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, 10th क्लास में, 12th क्लास में, इंजीनियरिंग में, कितने सवालों का जवाब आपने सीखा, और फिर जाकर आप ये अर्निंग करते हो। अगर मैं आपको बोलूं कि लाखों की अर्निंग पैसिव इनकम अर्न करना हो और सिर्फ ये 20 सवालों का जवाब, आसान सवालों का जवाब सीखना है, तो आप जरूर सीखेंगे, और वो हम बातें करेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में। लेकिन कुछ मोटी मोटी बातें मैं फॉलो अप से रिलेटेड यहां मैं रखना चाहता हूं। सबसे पहला काम क्या है, डोंट बी नीडी, अपना नीड लेके फॉलो अप मत करिए। अगर आपको लगता है कि भाई ये मान नहीं रहा, किसी तरीके से इनवो कि इसको मना लूं, पैर पकड़ के, आरती उतार के, किसी भी तरीके से कर लूं ताकि मेरा चेक बन जाए, गलत अप्रोच है। हम यहाँ कहते हैं कि दो तरीके के बिजनेसमैन होते हैं, एक होता है मांगीलाल और एक होता है देवीलाल। मांगीलाल मांगता रहता है, उसका हाथ खुला है, हाथ फैला हुआ है सामने हमेशा, आ जा दे दे, 2 रुपये डाल दे इसमें, तू आ जाएगा तो मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। ये मांगीलाल कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, लॉन्ग रन नहीं जा सकते। यू हैव टू बी अ देवीलाल, देने वाला बनो कि भाई साहब मैं तुझे अपॉर्चुनिटी देने आया हूं, अगर समझ में आ गई ना जिंदगी निखर जाएगी तुम्हारी, 3 साल मेहनत कर लिया ना तो 3 पुश्ते बैठ के खाएगी तुम्हारी, देने वाला बनो। अगर इस एटीट्यूड के साथ, और कुछ अलग नहीं करना है, आपको घमंड नहीं दिखाना वहां अपना, बस अंदर ये फीलिंग चलनी चाहिए कि भाई ये करे ना करे मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ये अगर ना भी किया तो ऐसे 100 लोग खड़े कर दूंगा मैं, ये अंदर से कॉन्फिडेंस, ये फीलिंग होनी चाहिए आपको। और ये फीलिंग आपको फिर कनेक्ट करता हूँ लिस्ट से होगा। लिस्ट में 4 ही बंदा है और एक ने मना कर दिया, प्राण पखेरु उड़ने लगते हैं, भाई एक ने मना कर दिया और 3 ने मना कर दिया, तो अगर 1,000 लोग हैं आपके पास, जाओ ना भाई, एक क्या, 2 क्या, 10 आदमी भी जाए, यू डोंट केयर। लेकिन हाँ, प्रयास आप सब पे करोगे, नीडी बन के नहीं करोगे, गिवर बन के करोगे। दूसरा पॉइंट, स्टे इन कंट्रोल, सेट अ स्पेसिफिक टाइम। हम लोगों को इनसेंसिटिव नहीं बनना है। कई बार आप देखते हो कि आप खाना खा रहे हो, आपके पास एक कॉल आता है, कहता है सर मैं इस ब्रांच से, इस बैंक से बोल रही हूँ, क्रेडिट कार्ड लोगे? आप कहते हो नहीं नहीं, नॉट इंटरेस्टेड। आप सोने जा रहे हो, नींद आ रही है आपको,
दोपहर का खाना खाया, हल्का सा नैप लेने का मन कर रहा है आपको, किसी का कॉल आ गया, तो लोगों का टाइम का ख्याल आपको रखना चाहिए कई बार। और वहां पे आपको क्या करना चाहिए, अंदाजा नहीं, अभी आपको नहीं पता मैं कब खाना खाता हूँ, कब मेरा मीटिंग का टाइम है, यू डोंट नो। तो बेस्ट है कि आप मुझसे पूछ लो। तो जब आपने मुझसे बात की कि भाई आपको क्या अच्छा लगा और मैं आपकी आईडी वाड़ी बनाता हूँ और मुझे आपसे थोड़ी बात करनी होगी, तो व्हाट इज द बेस्ट टाइम, तो उसने कहा कल 4 बजे कॉल कर लेना। ओके ठीक है, 4 बजे डॉट आप उसको कॉल करो और वहां पे बातचीत कर सकते हो। कई बार आपको ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान 4 बजे आपने फोन तो किया लेकिन उसने फोन पिकअप नहीं करा, और हम वहां सोचते हैं कि अरे ये अवॉइड कर रहा है, ये तो करेगा नहीं, ऐसा वैसा करेगा, दोबारा कॉल नहीं किया आपने, ये भी गलती है। आप उसको मैसेज छोड़ो कि हमारा डिस्कशन हुआ था और 4 बजे मुझे आपको कॉल करना था, मैंने कॉल तो किया बट लुक्स लाइक आप कहीं बिजी हो गए होंगे, तो कोई बात नहीं, आप एक बार मुझे कंफर्म कर देना कि अगर कल 4 बजे आप खाली हो तो मैं फिर से आपको कॉल करूंगा। उस मैसेज का भी जवाब नहीं आया, आपने फिर से कॉल किया, फिर से कॉल नहीं उठा। अभी आप एक फाइनल चिट्ठी लिखोगे और उसमें लिखोगे कि हेलो, मेरा नाम सुशांत है, मैंने आपको मीटिंग दिखाई थी और मुझे आपसे बात करनी थी, लेकिन मैंने 2 दिन फोन किया, मुझे चिंता है कि आप ठीक तो हो ना, आपने फोन नहीं उठाया, तो आई एम नॉट श्योर कि अगर आप ठीक हो या नहीं, जस्ट इन केस अगर आप ठीक हो और फिर भी नहीं उठा रहे तो मुझे लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो मुझे बता दीजिए, देयर इज नथिंग पर्सनल, है ना, मैं चाहूंगा कि अगर आप नहीं करना चाहते हो विच इज ओके, आपके सर्किल में कोई करना चाहे तो मुझे रेफर कर देना, लेकिन हम एक दूसरे का टाइम ऐसे वेस्ट ना करें कि आप ना करना चाहो मैं जबरदस्ती आपके पीछे पड़ा हूं, तो वैसे चिपकू आदमी नहीं बनना है, ठीक है। इस तरीके से आप बात कर सकते हो वहां कॉलिंग के टाइम पे। अगला पॉइंट, आस्क व्हाट दे लाइक बेस्ट, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हमें ये नहीं पूछना है कि और कैसा लगा भाई करें, आप हमेशा पूछो कि क्या चीज आपको सबसे अच्छी लगी और वो अच्छी चीजें बताएगा और क्लोजिंग के ज्यादा चांसेस हैं। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया आपसे, व्हाट इफ दे गेट स्टूड अप, अगर वो आपका रिस्पांस नहीं दे रहे तो आप इस तरीके से चिट्ठी लिखोगे, एक SMS या आपको उसको WhatsApp पे मैसेज डालोगे कि मेरा नाम ये है, आप ठीक है या नहीं, और इस तरीके से जो मैंने आपको बातें बताई। ये करने के बाद वैलिडेट क्या आता है, कई बार आपके एग्जिस्टिंग टीम में कुछ लोग तो जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम ही कर रहे हैं, बीच में जब मर्जी हुआ तो कुछ शॉपिंग कर ली, किसी को मिलवाया किसी को नहीं मिलवाया, आइडल पड़े हुए हैं, तो आप वहां पे वैलिडेट करना चाहोगे, वहां पे भी फॉलो अप होता है। फॉलो अप सिर्फ नए लोगों से नहीं होता है, पुराने लोगों से भी होता है, आप उनके साथ भी बात करो कि भाई एक बात बता, तू वेस्टीज में आया था तो कमाने के लिए आया था आई एम श्योर, है ना, तो अभी लग रहा है कि जिस तरीके से काम कर रहे हैं बहुत बड़ा कमा लेंगे हम लोग, तो नहीं भाई मैं थोड़ा अच्छा, दिक्कत क्या है, टाइम नहीं है या प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, क्या दिक्कत है, बातचीत करना शुरू करो। आप उससे पूछो कि एक बात बताओ, अगर वेस्टीज का पूरा काम हम 1 to 10 के स्केल पे अगर रखें तो अपने आप को कहाँ रखते हो, वो बोलेगा 1 पे 2 पे 3 पे, आप उसको बोलो इसी के लिए आए थे क्या हम, 10 के 1 2 3, यार मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी मदद को तैयार हूँ, तो बोल तो मुझे कहाँ अटक रहा है, मैं हेल्प करता हूँ तुम्हारी, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमेशा वैलिडेट करना है, अज्यूम नहीं करो कि यार वो तो इंटरेस्टेड ही नहीं है, कई बार बंदा इंटरेस्टेड होता है लेकिन वो काम फिर भी नहीं कर रहा है, उसको कोई चैलेंज है, कोई ऑब्जेक्शन है, उस चीज को कम्युनिकेशन के थ्रू हैंडल करना पड़ेगा। एक इंसान ने आपको अगर ज्वाइन कर लिया तो इसका मतलब है उसको आपकी अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं अच्छी लगी, उसको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, कहीं ना कहीं हेल्थ बेनिफिट उसको दिखा, लेकिन वो काम नहीं कर रहा, ये भी तो हो सकता है कि इसको काम करना ही नहीं आता हो, सिखाएगा कौन, आप सिखाओगे ना, तो उससे पूछो तो सही कि भाई कहां अटक रहा है, लिस्ट बन गई है क्या, नहीं बनाई, क्यों भाई, किसी ने बताया नहीं, आप बताओ, लिस्ट बनवाओ, उनकी इनविटेशन सिखाओ, उसकी फॉलो अप करना सिखाओ, 10-15-20 सवालों के जवाब करना सिखाओ, और आपने बना दिया लीडर, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा। और जब भी आप फॉलो अप करें तो ऐसा मत समझिए कि आप एक बार बात कर गए और काम हो गया सारा, अगली अपॉइंटमेंट सेट करिए, उसको बोलो ठीक है आज तो बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, हमने काफी चीजें सीखी और डिस्कस किया, अगली मुलाकात कब होगी, अगला जूम कब का सेट करूं, अगला कॉल कब करूं, सेट द नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, और फिर उससे पूछिए कि अब सारे सवालों का जवाब मैं तुम्हारे दे चुका हूं, सारी क्लैरिटी तुम्हें मिल चुकी है, रेडी है, स्टार्ट करें कल से, और ये आप करेंगे तो इसको हम कहते हैं फॉलो अप, ठीक है। ऑल्दो ये आधा पार्ट है फॉलो अप का,
फॉलो अप में ही कंक्लूड हम करेंगे आगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेशन, जहां पे हम सीधे बातें करेंगे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस अगर आपके पास आते हैं तो किस तरीके से जवाब देंगे, और वो प्रॉब्ली मेरे ख्याल से वो कल या परसों का शेड्यूल होगा, आप उसको मिस मत करना। तो आज मेरे ख्याल से आपने लिस्ट कैसे बनानी है ये सीखा होगा, इन्विटेशन कैसे करना है ये सीखा होगा, और फॉलो अप। लेकिन ये सभी थ्योरेटिकल चीजें काम नहीं आएंगी, काम तभी आएंगी जब प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करोगे तो पहली बार बहुत ही घटिया करोगे, दूसरी बार थोड़ा बेटर, उसके बाद थोड़ा बेटर, और फिर आप बनोगे चैंपियन। ये एक्सपेक्ट मत करना कि सर आपने तो सिखाया था, मैंने तो वैसा किया और पहले दिन ही ऐसा हो गया। वो बेस्ट कॉम्बिनेशन उस वर्ड्स का, वो एनर्जी लेवल का, ये कॉम्बिनेशन धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। और फिर से रिपीट करूंगा, ना सुनने का हैबिट आपको डालना है। विद दैट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे। अभी मैं वापस आप लोगों के पास आता हूँ टू चेक अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हो इस सेशन से रिलेटेड, वो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे और उसके बाद हमारा ये सेशन एंड हो जाएगा। तो मैं आपके हैंड रेस देख सकता हूँ, अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप अपना हाथ उठाएं और मैं आपको अनम्यूट करूंगा, फिर हम डिस्कस कर पाएंगे किसी भी चीजों से रिलेटेड। या कोई कॉन्सेप्ट अगर आपने आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आया, मुझे रिपीट करना है, तो वी स्टिल हैव 10 मिनट्स, 10 मिनट हम इसको यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो प्लीज रेज योर हैंड और आस्क क्वेश्चन। राहुल सिंह जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया सर। जी सर, आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ आ रही है सर। सर मेरा ये सवाल है, चलो हमने तो चलो आईडी बना दिए लोगों की, और उनकी बिलिंग कैसे कराना है? अगर जैसे हमने टाइम लिया, जैसे आज हमने आईडी लगाया, तुरंत कैश नहीं करते, अगर 2-3 दिन का टाइम लेते हमारे से, अगर जब हम 2-3 दिन के बाद अगर उनके पास मिलने जाते हैं पैसे की बात करते हैं, तो फिर से टाइम बढ़ा देते हैं, फिर कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, ये है वो है, बताने लगे। बहुत बढ़िया सवाल है राहुल जी आपका, बहुत बढ़िया सवाल है। जनरली क्या होता है आजकल, अगर हम लोग खासकर जब ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं तो हैंड टू हैंड क्लोजिंग तो होती नहीं है, तो आपने उसको मीटिंग समझा दिया, फिर आप बोलोगे शॉपिंग करो, अभी शॉपिंग में वो टालता रहता है, आपको आज पैसे हैं, कल पैसे हैं, आज सैलरी आएगी, कल सैलरी आएगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इम्पोर्टेंस समझाना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ अपने लोगों को कहता हूँ, देखो जी काम करना, आपने कहा कि काम करोगे, ठीक है, तो काम आपका शुरुआत होता है पहला काम से। आपको अपने आईडी पे शॉपिंग करनी पड़ेगी, तब आपका आईडी बिजनेस रेडी होगा, उसके पहले आप काम नहीं कर सकते। हाँ जी, तो मैं चाहता हूँ कि आप आए हो तो जल्दी से जल्दी काम करना शुरू करें, इसी महीने कुछ कुछ गोल बनाकर अचीव करें, कुछ इनकम लेना शुरू करें, टीम बनाना शुरू करें। तो ये जल्दी से जल्दी तब होगा जब आप ये पहला काम करके बताओगे। तो आप बताओ कब कर पाओगे, आप क्या लगता है, कल कर लोगे, परसों कर लोगे, आज कर लोगे, क्या लगता है आपको? तो बताएगा अच्छा कल कर लूंगा, ठीक है, तो मैं आप पे भरोसा करता हूँ, आप कल करिए और मुझे बताइए, सो दैट मैं आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम कर पाऊँ। जस्ट उसने नहीं किया तो आप उससे बात कर सकते हो कि सर आपने कहा था, मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि आप कब करोगे, मुझे इस बात की चिंता है कि वक्त जाया हो रहा है, मैं आपका ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। उसको इम्पोर्टेंट समझ में आएगी राहुल जी, तो वो कर लेंगे फिर। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी सर, चलो थैंक यू सो मच आपके सवाल के लिए। अगला हाथ मैं देख रहा हूँ, हमारे बीच अभिषेक शर्मा जी हैं, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है सर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड सर। जी जी सर, सर मैंने बिल्कुल सर आपकी बात से समझी सर। सर एक क्वेश्चन था कि अगर कोई पर्सन, जैसे होता है कि सर हमने मीटिंग करी, लेकिन कई लोग होते हैं सर काम करना चाहते हैं लेकिन फैमिली मेंबर साथ नहीं देते, तो इस प्रकार से उनका अमाउंट जो होता है कि सर मैं परचेसिंग नहीं कर सकता लेकिन मैं वर्क जरूर करना चाहता हूँ आपके साथ लग के, तो सर उसे एक तरह को उसके इस चीज का सोल्यूशन किस तरह है कि यार मैं परचेसिंग नहीं कर सकता क्योंकि पैसे नहीं दे पा रहे फादर, तो काम करना चाहता हूँ पर। ओके, ये इश्यू ना आपको कई बार स्टूडेंट कैटेगरी पे आएगा। जनरली हम लोग कहते हैं कि जब आप इनवाइट करो लोगों को तो वहां पे 3 चीजों का ध्यान रखते हैं, उस 3 चीज को बोलते हैं मैन, MAN। एम मतलब मनी, यस सर। ए फॉर अथॉरिटी और N फॉर नीड। ये तीनों चीज चेक करना है कि ये लड़का ठीक है, इसके पास पैसा है क्या, नहीं है, पापा के पास है तो मे बी ये ना कर पाए, ऑथोरिटी डिसीजन मेकिंग इसके पास है या नहीं, या नीड है कि नहीं। अगर वो कह रहा है कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ करने को और मैं मेहनत कर सकता हूँ लेकिन पैसे नहीं दे सकता, तो हम लोग कोशिश करेंगे किसी तरीके से इसके घर पे मिलने की,
अगर आप इनको बोलो कि देख यार खरीदना तो पड़ता है, इसके बिना तो कुछ हम कर नहीं सकते, मतलब दो तरीका है अभिषेक जी, या तो आपको इतना भरोसा हो बहुत क्लोज दोस्त हो आप उसकी आईडी पे खरीदो, किसी को तो खरीदना पड़ेगा, उसके बिना तो आईडी नहीं चलेगी उसकी। जी 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 बिल्कुल। तो उसका सॉल्यूशन ये निकालना पड़ेगा कि उनके पेरेंट्स से बात करके कि अंकल देखो ये शानदार अपॉर्चुनिटी है, 25 साल की उम्र में शिवम गोस्वामी 11 लाख रुपए कमा रहा है, आप भी तो यही चाहते हो कि हम बच्चे पैसे कमा पाए, उसके लिए कोई भी पेरेंट आपको 1000 रुपए के लिए मना नहीं करेगा। लेकिन बात ये है कि पेरेंट्स को यकीन ही नहीं है, तो वो यकीन अपलाइन को दिलाना पड़ता है, आप वहां से बात करके ये कर सकते हो। यस सर, यस सर, ठीक है। जी जी जी। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई इंसान 1000 रुपए नहीं सोच रहा, आप देखो आज स्टूडेंट है वो, अगर उसको ऐसी कोई जरूरत पड़ जाए, मैं आपको आप मतलब स्टूडेंट कैटेगरी से ही समझाता हूँ, जस्ट इन केस ही हैज अ गर्लफ्रेंड और वैलेंटाइन्स डे पे उसको गिफ्ट करना है उसको, जी जी जी, वो 1000 क्या 2000-5000 भी खर्च करता है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, यस सर, जी 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 जी, है ना। बिल्कुल तो आज अगर वहाँ 1000 रुपए नहीं निकाल रहा है, इसका मतलब वो चालाकी कर रहा है, इस चालाकी में आपको नहीं फंसना है। जी 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 जी, यस सर। आप उसको बोलिए कि अगर तुझे वाकई बहुत अच्छा लगा भाई, तो ये तो तरीका ये करना पड़ेगा, तू चाहे तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात कर सकता हूँ, और अगर तू नहीं कर रहा तो बहाना नहीं चलेगा, मैं मतलब देख यार कौन खरीदेगा, मैं तो नहीं खरीद सकता, मैं भी तुम्हारी कैटेगरी से हूँ। जी जी जी, तो इस तरीके से आप बात करें तो सॉल्यूशन निकलेगा। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू अभिषेक जी, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट ऑन लाइन वी हैव माधुरी यादव जी। मैम मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच सर, ट्रेनिंग बहुत अच्छी लगी। बट सर मेरे पास दो क्वेश्चन था जो कि मुझे क्लियर करना था। सर फर्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा कि सर सपोज करिए कि कोई पर्सन मेरे से ज्वाइन हो गया, ज्वाइन होने के बाद मैं उनको ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए बोलती हूँ, तो मतलब उन्होंने एक हफ्ते तक तो मतलब बहुत ज्यादा क्लोज मतलब कहते थे कि एक हफ्ते तक उन्होंने ये बोला है कि बिल्कुल मैं करने के लिए एग्री हूँ, यस मैं बिल्कुल करने के लिए एग्री हूँ। एक हफ्ते बाद मतलब ये बोलते हैं कि मतलब बहाना मारते हैं कि मैं मेरा जूम ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा, मेरा नेट स्लो चल रहा है, या कोई भी रीजन जो मेरे को मतलब बहाना देते हैं, तो उस समय क्या करना चाहिए सर? वो आपके आसपास रहते हैं या बहुत दूर है कहीं? सर रहते तो पहले यहीं पे थे मेरे आसपास में ही, बट लेकिन अभी क्योंकि सर वो पुलिस कंट्रोलर हैं, तो जिसके कारण वो राजस्थान चले गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए कई बार होता है कि कई बार जेन्युइन नीड भी होती है, कई बार बहाना भी होता है। तो माधुरी जी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, और ऐसा मत करना कि उसको लगे कि आप उसके पीछे पड़ गए हो। एकदम ओपन तरीके से बताना कि सर मैंने आपको अपॉर्चुनिटी दी और आपने अग्री किया था कि हम कर सकते हैं इस काम को, लेकिन अभी कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं। अभी मुझे दो सवाल पूछना है आपका। पहला कि आप सीरियसली इस काम को करना चाहते हैं क्या, या अगर आपको कोई सवाल है, कोई ऑब्जेक्शन है तो आप बताइए। तो वो बताएगा कि नहीं मुझे ना ये दिक्कत हुई, मुझे प्रोडक्ट महंगे लगे, या मुझे कोई प्रॉब्लम बताएगा। तो प्रॉब्लम बताएगा तो उसका सॉल्यूशन आप देंगे। अगर वो कहता नहीं मैं करना चाहता हूँ लेकिन वाकई मेरे पास वक्त नहीं मिल रहा, या मेरा वाकई जूम इंस्टॉल नहीं हो रहा, तो आप उसके उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देना पड़ेगा हमें कि अगर आपके यहाँ नेटवर्क नहीं चल रहा एयरटेल का, तो मे बी आप जियो यूज करना चाहो, मे बी आप आइडिया लेना चाहो। तो इस तरीके से बात जब आप करोगे ना, और बिल्कुल बिजनेसमैन बन के बात नहीं करना, अपना इंसान बन के बात करना, मतलब अपनी दोस्ती या अपना रिलेशनशिप मेंटेन करके, तो आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम पता चलेगा। कई बार होता क्या है, इंसान बोलता कुछ और है, सोचता कुछ और है, करता कुछ और है। तो ये बात उसके पेट से निकलवानी है आपको कि सर आपने कहा था मुझे, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि वो सीरियसनेस नहीं आ पा रही है, तो आई एम श्योर कि आपको कोई दिक्कत होगी, लेकिन आप मुझे बिल्कुल ओपनली बता सकते हैं। सर अगर आप नहीं करना चाहे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बताएं तो सही कि क्या चैलेंजेस आपको आए, और अगर सच्ची बात पता चल जाए फिर आप उसका सॉल्यूशन दे पाओगे माधुरी जी। ओके सर, अच्छा, एग्री करती हो आप? हाँ सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि सर अगर मैं बिजनेस तरीके से बात करूंगी तो वही बोलेंगे कि हाँ यार ये तो जब भी फोन करती है तभी बिजनेस के अकॉर्डिंग ही बात करती है, ये कुछ मतलब कहने का मतलब रिगार्डिंग ही क्यों बात करती है मेरे से, तो मैं उनकी बातों को जान भी नहीं पाऊंगी और मुझे बता भी नहीं पाएंगे सीरियसली। हाँ हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हो कि मैं समझती हूँ सर आप जॉब में हैं, आपके पास वक्त भी बहुत कम है, लेकिन मैं सीरियसली आपकी मदद करना चाहती हूँ, अगर आप करना चाहते हो तो बस हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे, नहीं करना चाहते हो तो बता दो, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। ओके, अभी अगला नाम जो मैं देख पा रहा हूँ, गौरव सक्सेना जी, सर आपको अनम्यूट कर दिया है मैंने, आप अपना सवाल रखिए। गुड मॉर्निंग सर,
सर मेरा क्वेश्चन है रिगार्डिंग वार्म कॉन्टैक्ट्स, वार्म कॉन्टैक्ट्स के क्योंकि होता क्या है कि जब हम वार्म कॉन्टैक्ट से बात करते हैं उन लोगों से तो वो कई बार हमसे कहते हैं कि हम उनको प्लान प्रेजेंटेशन के लिए बोलते हैं तो वो कहते हैं नहीं यार तू ही बता देना, तू मेरा फ्रेंड है और तू ही बता दे जो भी चीजें हैं उसके लिए प्रेजेंटेशन में, क्या मेरे पास टाइम नहीं है ये, तो हम उन्हें थोड़ा बहुत बताते हैं क्योंकि वो हमारे वार्म कॉन्टैक्ट्स होते हैं इसीलिए कि चलो ठीक है ट्रस्ट है तो मैं तुझे बताता हूँ कि ये है, तो उसके बाद वो उसमें से ही चीजें और पूछने लगते हैं और ज्यादा पूछने लगते हैं और हम भी फिर उसी चीजों का आंसर भी देते हैं, हम देने लगते हैं उसी हिसाब से, फिर एट द एंड वो सारी चीजें जानने के बाद ये कहते हैं कि यार ये मेरे बस का नहीं है ये कोई नेटवर्किंग और ये मेरे बस का नहीं है, और इस तरीके से हमसे मतलब चीजें भी जानना चाहते हैं, लगता है कि हाँ ये बंदा इंटरेस्ट ले रहा है इसलिए हम भी उनको सारी चीजें बताते चले जाते हैं, और एट द एंड फिर वो बाद में अपना एक क्योंकि वो जब ज्वाइन ही नहीं करता तो ना ही उसको समझ में आता, हम उसको कहते हैं कि भाई पहले ज्वाइन करोगे उसके बाद ही तो सीखते सीखते कर लोगे, अभी इतना क्यों सोच रहे हो, हम उसको बोलते भी एज ए फ्रेंड सारी बातें, समझाते भी उसे बहुत है, फॉलोअप चलता रहता है, लेकिन एट द एंड वो कहता है नहीं यार सच्ची में मैंने नहीं कर सकता यार नहीं कर सकता, ऐसे करके वो फिर अपना फाइनल एक वो दे देता है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि अपने अपलाइन से बात करानी चाहिए या फिर हमारी ही गलती है कि हम उसको सारी चीजें बताते चले जा रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है आपका, तो देखिए यहाँ दो तीन चीज मैं बोलूंगा, पहला तो वार्म कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना वो आपसे सवाल जवाब करेगा, इस चीज के लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है, वो आपके दोस्त होंगे और लेकिन आपसे सवाल पूछेंगे, क्लैरिटी आएगी तभी वहां होगा। अभी आपको ये देखना है वहां दो तीन लेवल पे कि क्या आपका प्रेजेंटेशन देने का तरीका, यानी आप बिल्कुल मैच्योर तरीके से बहुत सफाई के साथ प्रेजेंटेशन में एक्सपर्ट हो गए हो क्या, अगर हो गए हो तभी आप उसको दोगे डिटेल, ठीक है, अगर उसने बोला यार डिटेल बता दे, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं तैयार हूँ प्रेजेंटेशन तो पूरा प्रेजेंटेशन उसको दोगे, उसको बोलना कि देख यार मैं जब बताऊंगा तुझे तो 40 मिनट पूरा चाहिए, अभी सुनना चाहता तो अभी पूरा 40 मिनट बैठ और प्रेजेंटेशन सुन, अगर नहीं है 40 मिनट तो तुझे आना पड़ेगा, और नहीं आ सकता तो कोई दिक्कत नहीं है, तू अपने काम में लगा रहा मैं अपने काम में लगाऊ, ठीक है, जस्ट इन केस अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट रेडी टू प्रेजेंट, आपको अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं आया है या प्रेजेंटेशन में वो दम नहीं है अभी, तो आप उसको सीधा बना कर सकते हो कि देखिए यार मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, आई विल नॉट बी एबल टू टेल यू दैट मच डिटेल, और मैं नहीं चाहता कि मैं तुझे छोटी सी बात बता के कंफ्यूज करूं, तो अगर मैंने ये सोचा कि मुझे अच्छी बात लगी है तो तुझे भी अच्छी लगेगी और इसलिए मैं तुझे कह रहा हूं, लेकिन अगर तू इंटरेस्टेड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है तू मत आ, लेकिन अगर तुझे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए तो 40 मिनट की बात है, इस मीटिंग में आना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे, इस एटीट्यूड के साथ काम करोगे ना गौरव जी तो बंदा आएगा। अभी हमें बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, बहुत सारा पैसा कमाना है और हमने अपनी चाबी दे रखी है दूसरे के हाथों में, वो घुमाता रहता है हमें, वो जो चाहता है करवा लेता है, वो चाहता है कि भैया इंफॉर्मेशन निकालूं आप इंफॉर्मेशन दे देते हो, वो चाहता है कंपनी का नाम बता दूं हम दे देते हैं, हम सब कुछ बताने को तैयार हैं लेकिन बेस्ट पॉसिबल वे से, अगर मैं बेस्ट पॉसिबल वे से उसको बता सकता हूं तो मैं बताऊंगा, मैं नहीं बता सकता तो ऑफलाइन की सपोर्ट लूंगा, लेकिन मैं करूंगा वही जो मैं चाहता हूं, और यही स्किल सीखना है आपको कि आप किस तरीके से उसको उस रास्ते पर लेकर आओ, यही फॉलो अप करना है। मेरे ख्याल से गौरव जी म्यूट पे चले गए आप, मैंने एक बार फिर से अनम्यूट कर दिया आपको, गौरव जी ये समझ में आया आपको, एक बार कंफर्म करना आप मैंने आपको म्यूट किया है या कुछ और फॉलोअप क्वेश्चन अगर हो आपका तो। यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, समझ गया सर। ओके चलिए, थैंक यू थैंक यू। सोहन कामैत जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया सर, सोहन सर आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हो? गुड इवनिंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। जैसे कि मैं भी, मेरे साथ अभी कुछ सैलून सब आ रहे हैं, जैसे काफी हद तक तो पॉइंट सब सर क्लियर हो गया, पहले के जो पार्टिसिपेंट सब जो क्वेश्चन किए थे तो उससे क्लियर हो गया। लास्टली हमने कई बंदे को इनविटेशन में बुलाता हूँ, बहुत बढ़िया पॉजिटिवली वो मीटिंग सुनता है, बहुत बढ़िया, उसके बाद काउंसलिंग करता हूँ उन सब से, तो इंटरेस्ट तो दिखाते हैं, बाद में फिर ना ये लोग जुड़ना नहीं चाहते, तो उसका कितने लेवल तक फॉलो अप करें उन सब से? फॉलो अप जैसे देखिए मतलब
देखो ये ना आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। अभी शुरुआती दिनों में दिक्कत क्या आती है कि या तो हम इनविटेशन में गलती कर जाते हैं, या इनविटेशन अच्छा किया तो प्रेजेंटेशन में गलती कर गए, प्रेजेंटेशन में अच्छा हुआ तो फॉलो अप में गलती, तो कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं, विच इज नॉर्मल। अभी हम लोग का लर्निंग कर्व चल रहा है ना। लेकिन हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि प्रेजेंटेशन बेस्ट तरीके से किया जाए, बढ़िया। उसके बाद इन्विटेशन बेस्ट किया आपने, उसके बाद प्रेजेंटेशन भी बेस्ट किया जाना चाहिए ताकि उसको वाकई में एक्साइटमेंट के साथ वो करने को तैयार हो। और उसके बाद भी अगर वो इंटरेस्ट नहीं दिखा पा रहा है, अगर आपने उससे अप्रोच किया जिस तरीके से मैंने बताया आपको, उसके ऑब्जेक्शन को सुनने की कोशिश करी, क्या उसको चैलेंजेज आ रहे हैं, क्यों वो करना नहीं चाह रहा, आपने उसके सवालों का जवाब दे दिया, उसके बाद भी वो करना नहीं चाह रहा तो छोड़ना सीखिए ना। छोड़ना मतलब आप उसको साइड कर दीजिए, आप आगे बढ़िए और उसको अपनी ग्रोथ के साथ, मतलब रिलेशन बना रहेगा, ऐसा नहीं कि एकदम दुश्मन नहीं कर लो कि भैया तुम तो आए नहीं मेरे साथ तो आज के बाद बात नहीं करना। वो कॉन्टैक्ट में रहेगा मेरे और धीरे धीरे मैं ग्रो करता जाऊंगा, धीरे धीरे आगे बढ़ता जाऊंगा, 8%, 10%, 11% गोल्ड डायरेक्टर, स्टार डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर, और मैं चेक भी कमाने लगूंगा और वो मेरे दोस्त, मेरा दोस्त है, मेरे सर्कल में है, तो ही विल गेट टू नो अबाउट दैट कि सोहन का मैंने वेस्टीज स्टार्ट किया था, आज वो 2 लाख पे है, आज 5 लाख पे है, आज 10 लाख पे है। और एक दिन ऐसा आएगा कि वो इंसान आपको बोलेगा, भाई सोहन उस दिन जो तूने बताया था ना यार, लगता है मुझे समझ नहीं आया था, आज तू फिर से समझा। और दिस इज प्रैक्टिकल, ये होता है सर। तो आप अपनी कोशिश करें, एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन वही मैं बोलूंगा, आपको चिपकू नहीं बनना है, आपको नीडी नहीं बनना है कि भाई तू तो कुछ भी कर आ ही जा। आप बेस्ट प्रयास करो कि क्या आपको दिक्कत है, वो बता रहा है आपको तो सही है, नहीं बता रहा तो आप समझ जाएं कि ये शायद मुझे अवॉइड कर रहा है, और कोई भी आदमी आपको अवॉइड ना करे। मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग का ना इमेज इस वजह से भी खराब हुआ है कि लोगों को लगता है यार ये लोग तो नीडी लोग होते हैं, एक बार बोलो तो चिपकने लगते हैं। मुझे जरा सा भी आभास होता है ना कि ये मुझे अवॉइड कर रहा है तो उससे पहले मैं उसको अवॉइड कर देता हूँ। और इस एटीट्यूड में बड़ा जरूरी है काम करना आपको, ताकि उसको भी लगे कि इस चीज के पास कुछ है वाकई, ऐसा इतना एटीट्यूड क्यों है। लेकिन हाँ, आपको किसी का इंसल्ट नहीं करना है। पिछली बार जब मैंने प्रेजेंटेशन करा था तो मुझे एक सवाल आया था कि सर एटीट्यूड कहीं ऐसा तो नहीं, कई बार लोग होते हैं कि भैया प्रेजेंटेशन के टाइम पे बिल्कुल अकड़ू बन के उसकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं, आपको बहुत हम्बल रहना है, लेकिन अंदर से वो एटीट्यूड होना चाहिए। आप उसको इंसल्ट ना करें, आप उसको कुछ भी इंसल्टिंग वर्ड्स ना बोलें, लेकिन हाँ आप इस बात को समझें कि कहाँ तक जाना है, अपने सेल्फ इमेज से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। समझिए, क्लियर हुआ क्या? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब लेकर बहुत परेशान हो जाते थे, लेकिन ये डॉट आज क्लियर हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। कभी भी आपको दिक्कत होती है तो आप मेरा नंबर, आपके पास मेरा नंबर है ही, आप मुझे कॉल कर लिया कीजिए, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और कोई सवाल अगर किसी के दिमाग में हो, कुछ चल रहा हो किसी भी तरीके का, लास्ट couple of minutes we have, all in fact we are done with the time, lekin fir ek sawal main le sakta hu yahan koi agar hai aapke paas to, aur otherwise main fir yahi bolunga ki jo bhi humne sikha, apne notes banaye honge, us cheez ko apne downline mein training kariye, ye aapko main presentation share kar dunga, isko lijiye aur apne group mein, aap 8% pe hain, 11% pe hain, 10% mein hain, I don't care, aapki team hai, aapke team mein 2 log hain, 10 log hain, 20 log hain, 200 log hain, I don't care, अपने टीम को सिखाइए आप अपने हाथों से, एंड दैट इज द वे आपकी लीडरशिप आएगी, और दैट इज द वे आप प्रिपेयर होंगे और अपने लोगों को प्रिपेयर कर पाएंगे। तो इम्प्लीमेंट करिए इन आइडियाज को जो आपने सीखा, अपने लोगों को सिखाइए और वेस्टीज के चैंपियन बन जाइए। विद दैट, मैं देख रहा हूँ कि कोई हैंड रेज नहीं है, तो आई होप कि सारे सवालों का जवाब आपको मिला होगा और क्लैरिटी आई होगी। हमारे बीच अगर कुछ सीनियर है, मैं देखना चाहूंगा, पंकज जी, कृष्णा मोहन जी, शिवेंद्र जी, शिवेंद्र जी मैंने आपको अनम्यूट किया है सर, फाइनल वर्ड्स अगर आप कुछ शेयर करना चाहो। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर, इट वॉज वेरी नाइस सेशन, और बहुत ही अच्छे तरीके सर आपने बताया, मुझे लगता है कि जितने भी लोग हैं हमारे साथ में उन सब के लिए बड़ा ही हेल्पफुल होगा ये लिस्ट देखिए। तो चलिए, तो मुझे लगा कि सर ये ट्रेनिंग सेशन हम लोग, मतलब अगर इसको अगर कॉन्शियसली अगर हम लोग इसको अगर थोड़ा सा कमिटमेंट साथ इसको अटेंड करें, तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीने में लगभग सारा कंटेंट हमारे पास में हो जाएगा,
फिर हम आराम से काम कर पाएंगे सर, ये बहुत ही हेल्पफुल सेशन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर एडिंग अप सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे साथ कुछ को होस्ट थे, अभय जी, अंजलि जी, रूबी जी, विशाल बदाना जी, आप लोग अगर कुछ ऐड करना चाहे एनीथिंग तो प्लीज गो अहेड एंड देन वी विल क्लोज द सेशन। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। सर आज का सेशन बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार सेशन था, और मैं सिर्फ यहाँ जो भी नए लोग हैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि पेशेंस के साथ पहले हमें लर्निंग करनी होगी। जब तक हम सीख ना ले चीजों को, 1 वीक 2 वीक हम लर्निंग पे दें और उसके बाद काम करना शुरू करें, नहीं तो हम क्या करते हैं, गलत तरीके से इन्वाइट करके कहीं ना कहीं अपने प्रोस्पेक्ट को खराब कर लेते हैं और उसके बाद हम नेगेटिव होते हैं कि हमारे लोग नहीं आ रहे हैं। तो अगर हम इनविटेशन सही तरीके से करेंगे तो बाकी सारी चीजें अच्छी होगी। प्लान, क्योंकि यहाँ 11 बजे और 9 बजे अपनी टीम का होता है तो प्लान दिखाना यहाँ पे टीम वर्क में हो जाता है, तो प्लान दिखाने की जरूरत नए लोगों को नहीं है, वो सिर्फ अपने प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करके 11 o'clock मॉर्निंग और 9 o'clock नाइट वाले प्लान में बैठा दें और उसके बाद फॉलो अप अगर अच्छे से करेंगे तो कहीं ना कहीं कन्वर्जन रेट उनका ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और दूसरी चीज की लर्निंग एटीट्यूड में रहे, सीखते हुए अगर हम यहाँ से 1 से 3 साल का टाइम देंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से हम बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ ये समझने वाली चीज है सर कि अगर हम सब में कैपेबिलिटी होती 5 लाख 10 लाख महीने का कमाने का तो हम अभी तक कमा रहे होते, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, इस सिस्टम में वो कैपेबिलिटी है, तो इस सिस्टम को फॉलो करना जरूरी है। ट्रेनिंग और मीटिंग्स को फॉलो करेंगे और जैसे अपलाइन बताते हैं उस तरीके से अगर काम किया जाए तो सक्सेस 100% मिलेगा। तो जो भी हम यहाँ से सीखते हैं, जो भी मीटिंग्स हम लेते हैं उसको सीरियसली हम फॉलो करें। किसी चीज को सीखना जितना जरूरी है उससे भी ज्यादा जरूरी है कि उसको हम फॉलो करें और अप्लाई करें। जब हम अप्लाई करेंगे रिजल्ट तभी आएगा, तो सारे लोग अप्लाई करें और ट्रिमेंडस रिजल्ट आएगा इसका। मैं भी सुन रही थी, सीख रही थी और बहुत कुछ मैंने सीखा आज। थैंक यू सर, थैंक्स अलॉट आज की ट्रेनिंग के लिए। थैंक यू सो मच मैम। परफेक्ट। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है कि वी आर ओवर टाइम नाउ और आज की ट्रेनिंग हम यहाँ खत्म कर सकते हैं। फिर से एक बार रिपीट करूंगा, हर दिन 7:30 से 8:30 इसी तरीके से एक नए टॉपिक के साथ आप आए, सीखें और फिर अपनी टीम को भी सिखाएं। विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे, विश यू वेल। थैंक यू सो मच।